नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथियों, इस वीडियो में आप सभी के साथ हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर साझा करेंगे जो कि वाकई में आपके समायोजन से संबंधित है। दरअसल अगर आप इस थंबनेल की हेडलाइन देखेंगे, पूरे देश में छा गया शिक्षा मित्रों के समायोजन का मुद्दा। दरअसल साथियों, इस वीडियो में आप सभी के साथ कुछ काफी ज्यादा बड़े ट्वीट साझा किए जाएंगे जिनको देखने के बाद आपकी आशाएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। खबर क्या है ये सारी जानकारियां आगे वीडियो में आप सभी के साथ प्रॉपर तरीके से साझा करेंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अब साथियों ये पहली अपडेट है आपकी स्क्रीन पर, इसके बाद लगभग 8 से 10 ट्वीट आपको मैं दिखाऊंगा जहां पर आप ये देख लें कि TV9 उत्तर प्रदेश के द्वारा ये खबर ट्वीट में यानी कि अपने ऑफिशियल चैनल पेज पर लिखी गई है कि इको गार्डन में शिक्षा मित्रों ने दिखाई अपनी ताकत, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने शुरू की शिक्षा मित्र सम्मान एवं स्वाभिमान बचाओ रैली, जहां पर ये तस्वीर साझा की गई है, जहां पर ये मंच की तस्वीर है। आप यहां पर शिव कुमार शुक्ला व और उनके अन्य पदाधिकारी भी दिख जाएंगे। जहां पर साथियों आप यहां पर सेकंड न्यूज देख सकते हैं कि राजेंद्र देव इनके द्वारा लगातार शिक्षा मित्रों या फिर संविदा कर्मियों की आवाज उठाई जाती है, वेरीफाइड अकाउंट है, ये स्वयं एक पत्रकार है। जहां पर आप देख लें कि कड़कती सर्दी में शिक्षा मित्र बंधु लखनऊ पहुंच गए हैं, इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार होना चाहिए। जहां पर तीसरा आप देख लें कि राजेश साहू जी के द्वारा लिखा गया है, इनका भी वेरीफाइड अकाउंट है, इसमें आपको सारे वेरीफाइड अकाउंट यानी कि बड़े अकाउंट के द्वारा जो ट्वीट किए गए हैं वो आपको दिखा रहा हूं। जहां पर आप देख लें कि शिक्षा मित्रों को 40,000 देकर उनका जीवन सुधारा गया, फिर अचानक 10,000 पर ला दिया गया। ज्यादातर शिक्षा मित्र कहते हैं उन्हें 20,000 सैलरी मिलने लगे तो बढ़िया रहे। जहां पर साथियों शिक्षा मित्रों की जो मांग है वो बहुत अधिक भी नहीं है, अगर उन्हें 20,000 से 25,000 मानदेय दे दिया जाए तब भी वो संतुष्ट होंगे, लेकिन सरकार इसके ऊपर भी बिल्कुल भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के द्वारा भी यहां पर ट्वीट किया गया कि शिक्षा मित्रों का दमन कर रही योगी सरकार, राजधानी लखनऊ में सैकड़ों की संख्या में शिक्षा मित्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, सरकार बेसुध, आखिर शिक्षा मित्रों का समायोजन कब करेगी भाजपा सरकार, अन्याय बंद हो, जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों का समायोजन करे सरकार। ये विपक्ष के द्वारा सरकार पर साधा गया निशाना है। जहां पर आप देख लें ये कांग्रेस की तरफ से किया गया ट्वीट है, जहां पर आप देख सकते हैं कि वेरीफाइड अकाउंट है कि 2015 में उत्तर प्रदेश सरकार से जो भी बात करनी होगी उसको करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, श्री नरेंद्र मोदी। 2023 शिक्षा मित्र लखनऊ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पीएम मोदी के एक और जुमले ने हजारों शिक्षा मित्रों की जिंदगी तबाह कर दी, 8,000 से ऊपर शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो कि वर्तमान समय में आत्महत्या कर चुके हैं। जहां पर आप देख लें कि दोबारा से कुछ ट्वीट्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल साथियों ये तो केवल आप सभी के लिए एक डेमो मात्र था, बहुत सारे ट्वीट्स हैं और बहुत सारी न्यूज़पेपर की कटिंग्स है जहां पर शिक्षा मित्रों का जो मुद्दा है वो हेडलाइंस में चल रहा है। फिलहाल आशाएं हैं कि जल्द से जल्द यानी कि 15 से 20 दिन के अंदर शिक्षा मित्रों के समायोजन के ऊपर योगी सरकार के द्वारा कोई ना कोई सरकारी फैसला दिया जाए। आपकी इस पर राय क्या है आप ये कमेंट में लिखकर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।